12 इंच का लाइन है, ये गेट टैंक में लगा हुआ है। देखिए ये सीधा वाला इधर इधर आगे देखिए इधर ब्रांच लगा हुआ है, इधर ब्रांच लगा हुआ है, देखिए ये भी इधर ब्रांच लगा हुआ है और नाइट लगा के पूरा सीधा ऐसा आया, ऐसा आगे जैसे घूम के फिर उधर से उधर भी नाइट लगा हुआ लगा के ये उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर गया वो 90 बना के ऊपर जाएगा। देखो 90 एल्बो उधर रोलिंग हुआ, 45 डिग्री में ये रोलिंग हुआ है। देखिए एक 45 डिग्री में रोलिंग हुआ है और एक पीस लगा, उसके बाद एक 45 लगा हुआ है। हाँ, एक 45 लगा के फिर ये सीधा उधर तक गया। ये सब काम स्टार कूलिंग में हो रहा है, स्टार कूलिंग खोला दिया तो खोल लिया, ये काम होने हो गया तो इसलिए उसको खोल लिया। ये सब जॉइंट देखिए सब टूटा हुआ, लेकिन वेल्डिंग नहीं होगा तो वेल्डिंग होगा, स्टार कूलिंग फिर बना जाएगा, ये वेल्डिंग होगा। और देखिए ये वाला ये पाइप पड़ा हुआ है, ये वाला देखिए 90 लगा हुआ है, ये सब पीस लगेगा आगे में लगेगा। देखिए स्पूल पड़ा हुआ है, एक 90 लगा के एक पीस आया, फिर ये वो वर्टिकल में गया, उसको जिधर घुमाएगा ऐसा ही होगा, उसको हम हॉरिजॉन्टल करेगा तो उसको वर्टिकल करेगा, उसको वर्टिकल उसको हॉरिजॉन्टल करेगा, तो वहीं के हिस्सा में वो रहेगा जो हॉरिजॉन्टल में बना हुआ वो हॉरिजॉन्टल में रहेगा, वो जो वर्टिकल में जाएगा वो वर्टिकल में ही रहेगा। ऐसा सब बना रहा है, ये सब वोल्डिंग हो गया, ये सब ऊपर में इजेक्शन होगा, ज़्यादा जॉइंट ऊपर से सब फिटअप करने से वोल्डिंग मारने के लिए दिक्कत होगा, इसलिए नीचे से सब स्पूल बना जाएगा और ऊपर में जाके ये सब लगा जाएगा, एक दो जॉइंट आएगा। हाँ, सब ऊपर करने से उसमें से 4 जॉइंट आएगा, वो एल्बो में एक और बीच में 2, फिर एल्बो में एक, लेकिन ये स्पूल इधर बना हो गया तो ऊपर में जाके लगेगा, ये 2 जॉइंट आएगा। नीचे से थोड़ा वोल्डिंग मारने के लिए ऐसे अच्छा है, जो 15 मिनट की आधा घंटा लगेगा, लेकिन ऊपर में उसको 2 घंटा भी लगेगा, भाड़ा बना वो सब करो, इसीलिए स्कूल सब नीचे बना जाता है। देखिए ये लाइन में एक पीस लगा हुआ है, फ्लांच लगा हुआ नहीं, ये फ्लांच लगेगा, फ्लांच लगा के उसको ये बोल्टिंग होगा, ये फ्लांच है, ऐसे वोल्डिंग हुआ नहीं, फिटअप हो गया लेकिन वोल्डिंग हुआ नहीं, ऐसे वोल्डिंग होगा, ऐसे सपोर्ट सब उसका लगा हुआ है, टी सपोर्ट है, ये जो सपोर्ट है उसको टी बोलते हैं। नीचे में देखिए प्लेट लगा हुआ, वो ड्रिलिंग करके उसको एंकरिंग किया हुआ है, एंकरिंग बोल्ट से एंकरिंग किया हुआ है, उसके बाद एक टी सपोर्ट चैनल से टी सपोर्ट बन रहा है, ये 200 का चैनल है, ऐसा ये सब सपोर्ट सब बनाया गया है। ये एल आई ने ऐसा आया, ये ऊपर गया, ऊपर जाके 45 लगा के ये पूरा सीधा गया, सीधा गया उधर बैंड होके और फिर आगे में गया, फिर आगे में गया।